Please subscribe and click the bell to get notification. Assalamualaikum. Today, आज हम लेके आए हैं डाबे स्टाइल का फूड और हम बनाएंगे साथ में फिश, तवा फिश, वो भी मेरी मम्मी का, मेरी अम्मा का, मेरे भी। तो चले बनाते हैं हमारी तवा फिश। ये फिश जो है ये बहुत ही मशहूर फिश है। ये खस्ता गुल फिश वाले का फिश है जो कि बहुत मशहूर है और ये नोथिया गेट पे है, बिल्कुल सुनहरी मस्जिद के पास। अगर किसी ने लेना हो तो वहाँ से ले, क्योंकि मेरी फैमिली सारी यहाँ से फिश लेती है। इससे कोई स्मेल नहीं जा रही है, बहुत ही अमेजिंग है। और अच्छी बात यह है कि ये साफ करके आपको ये फिश देता है और साथ में मसाला भी देता है। मैं लेके आई हूँ 1.5 kg फिश जो कि अबाउट 500 रुपीज़ का मिला है। इसको कहते हैं मले फिश। अब इंग्लिश नाम क्या है ये मुझे नहीं आता, पर ये मले फिश है और इसमें कांटा नहीं होता। तो इसलिए मैं आज ये फिश बना रही हूँ क्योंकि मैं बोन्स वाली फिश नहीं खा सकती हूँ। तो चलो दिखाती हूँ। पहले हम इसको उसमें सिर्फ नमक लगाया हुआ, इसको मैं अच्छी तरह धो के मैं फिश मसाला इसको लगाती हूँ और मेरी अम्मी की स्टाइल का बनाती हूँ। ये उसने धोया हुआ है लेकिन मैं दोबारा भी थोड़ा सा धो लूँगी और इससे अच्छी तरह से पानी निकाल लूँगी। ये मेरी फ़िश है। सबसे पहले मैं फ़िश पे मसाला डालूँगी जो वो बाई ने मुझे दी है मसाला। तो उसने मुझे ये देखिए ये मसाला दिया है, लेकिन आप कोई भी फिश का मसाला यूज़ कर सकते हैं, पर ये मसाला बहुत शानदार है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये फिश मसाला डालें, आप कोई भी फिश मसाला डाल सकती हैं। अब इसको थोड़ा सा ऐसे रब कर दें। मैं इसके ऊपर विनेगर डाल रही हूँ, ये अम्मी की स्टाइल का है। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दें। तो 2 पैकेट का मैं ऐसे करूँगी कि 1 पैकेट मैंने उस साइड पे डाल दिया, 1 पैकेट मैं इस साइड पे डाल दूँगी। एक साशे आधे एक तरफ डाल दें और आधी दूसरी तरफ, और इसके ऊपर भी। अच्छा, आपने ये कर दिया है ना, तो अब आप इसको उठा के किसी ऐसे बर्तन में रख दें जो कि ऐसे गहरा हो, जैसे कोई बाउल या डोंगा। अच्छा, अब ये जो सारा मसाला है ये इसके ऊपर ऐसे करके डाल दें। इसके ऊपर थोड़ा सा सोया सॉस भी डाल दें ताकि नीचे तक चला जाए। ठीक है, अब इसको मैरिनेट रखने के लिए मैं रख दूंगी तकरीबन आधा घंटा। आप ज़्यादा भी मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आधा घंटा इसको मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। मैं लेके आई हूँ मशहूर पाकिस्तान का, ढाबे का, स्ट्रीट का, छोटी सी जो गाड़ियाँ होती हैं उनका फूड लेके आई हूँ। पर ये आदमी 40 साल से इस जगह पे बेचारा बुढ़ा हो गया। तो ये इसको कहते हैं लोबिया, हम पुश्तों में इसको लोबिया कहते हैं। डाल दिया ये। अब इसके साथ वो देता है चटनी, और इसकी चटनी में भी कमाल होता है और ये हाइजीनिकली भी बहुत ही क्लीन आदमी है। क्लीनिंग का इसने बहुत ख़ास एहतमाम किया होता है। तो ये हमारे लोबिया हो गए जो आज हम खाएंगे। ये मैंने छोले उसके खोल दिए हैं और छोलों के साथ भी उसने अलग सी चटनी दी है। पाकिस्तान में तो ये मज़े हैं ना कि जिस चीज़ का दिल चाहे बस वो चीज़ बाहर से मंगवा लो, लेकिन शर्त ये है कि वो लोग हाइजीनिकली क्लीन हो, सफाई का ख्याल करते हो। तो ये मेरे ओए होए मुँह में पानी आ रहा है। ये तो बिल्कुल बस ऐसे चटनी के साथ तैयार मिलते हैं। ये वही है जिसकी मैंने रेसिपी भी बार-बार आपको कहा है, पोस्ट की है। ये पेशावर और पाकिस्तान की मशहूर फूड है। इसको कहते हैं कचालू पेड़ा। तो ये कचालू पेड़ा है और ये मेरी रेसिपी मेरे YouTube चैनल पे मौजूद भी है। मैं थोड़ी सी इसकी चटनी निकाल दूँ क्योंकि ज़्यादा बढ़ गया है। आज हमारा मेन्यू है। ठीक है जी। तो माशाल्लाह मेरी फ़िश बिल्कुल स्मेल भी नहीं है, कोई खराबी नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं तो खस्ता गुल भाई को बहुत रिकमेंड करती हूँ कि उनसे फ़िश लिया करें, बहुत ज़बरदस्त है, या गेट अगर से लिया करें। ये दोनों जगह से मेरे अब्बू फ़िश लिया करते थे। अच्छा, तो मैं अब ये जो फिश है इसको फ्राई करूँ। तवा मैंने रख दिया है, ये दिखा दो खादिम, ये तवा मैंने रख दिया है और मैं तवे पे उल्टा करके ऐसे, और बहुत हल्की आंच पे, आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए और ऑयल भी बहुत नहीं होना चाहिए। ये जो थोड़ा सा इसका जो सोया सॉस और विनेगर था वो इसके ऊपर मैं ऐसे डाल देती हूँ। इसी तरह थोड़ा सा ढकना रख दें ओनली 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद ढकना उतार के आप उन्हें इसको क्रिस्पी सा बनाना है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने ढक्कन खोल दिया है, तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सूख गई है। देखिए वो सारा पानी उसने जज़ब कर लिया है। और अब मैं इसको ऐसे दूसरी साइड पे कर दूँगी। एंड माशाल्लाह माशाल्लाह लुक दा माय तवा फिश इज़ रेडी। एंड इंशाल्लाह ओनली 10 मिनट लेफ्ट इन इफ्तार। लुक दा अमेजिंग यमी अल्हम्दुलिल्लाह। सो सम पीसेस आर ऑलमोस्ट रेडी लाइक दिस वन लुक दा। तो मेरा खाना सारा तैयार है, मैंने और खादिम ने मिल के बनाया है दोनों ने। आज मैं इधर आके इफ्तार में और खादिम करेंगे क्योंकि मैं बिल्कुल ज़मीन पे नहीं बैठा। बिल्कुल तैयार है, मैंने और खादिम ने मिल के बनाया हुआ है। दस्तरखान बिछ गया है, मैं अभी ऊपर बैठी हूँ। जब अजान हो जाएगा नीचे ज़मीन पे बैठ के खाऊंगी। लेकिन आपको पहले, क्योंकि मेरे घुटने एक्सीडेंट में दोनों ब्रेक हो गए थे, क्रैक हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है मैं ज़मीन पे जब बैठती हूँ। लेकिन सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा करने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ज़मीन पे खाती हूँ, तो इसलिए ज़मीन पे खाती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या बना है। तो ये तो हमारी फ़िश है, ये हमारे कचालू हैं जो मैंने बाहर, जो हमारा डब्बा स्टाइल कचालू होते हैं वो, और ये जो है ये वही लोबिया है, ये देखें ज़बरदस्त सा, और ये वही छोले हैं। ओ ओ ओ वैसे खादिम इनको भी गरम करना चाहिए था। और ये खजूर है, और आपको टेंडे भी दिखा दूं। तो बैंगन का भरता भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये खादिम ने गरम करके ले आया है, ये बैंगन का भरता भी है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह की बहुत नेमतें हैं। और ये जो है ये नान भी है, गरम गरम नान भी है, ये देखें वाओ वाओ वाओ। सो अल्लाह की बहुत नेमतें हैं और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इन सब नेमतों से नवाजा है। अब आप लोगों से मैं इजाज़त मांगूंगी। अभी इफ्तार हो जाएगी तो खाने के लिए शुरू हो जाऊंगी, फिर टाइम नहीं होगा। मुझसे आज बात भी सही नहीं हो रही, इतनी मुझे मेरा मूड ड्राई हो रहा है। तो इंशाल्लाह अभी मैं इफ्तार में 2-3 मिनट है, आप लोगों से इजाज़त मांगती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखना, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। और मेरे अब्बू वाली बात कि आपको अल्लाह गुलो गुलजार बनाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।